तो फाइनली कितनी तेज की बारिश आ रही है और मैक्स को देखो कितने मजे आ रहे हैं बारिश में। इसी बारिश का तो इंतजार था। मैक्स वाओ, तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि नीचे तालाब बनने शुरू हो चुके हैं। यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, पूरे रोड पे पानी भर गया है। अभी और ज़्यादा भर जाएगा क्योंकि बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। काश मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी होती तो धुल गई होती अभी तक और उठ भी जाएगी। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो वाटरफॉल भी चालू हो गया। देखो इतने तेज तेज पानी गिर रहा है छत के ऊपर से। वाह, मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत टाइम बाद दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश देख रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। सीरियसली लास्ट ईयर तो मुझे लगता नहीं कि मैंने इतनी तेज़ बारिश देखी होगी। अभी मॉनसून जस्ट शुरू हुआ है तो देखते हैं आगे कितनी बारिश होती है। और जो भी है, जैसा भी है, गाड़ियाँ बाहर धुल रही है फ्री में, वो बेस्ट है। मैक्स बारिश आ रहा है ना, कर चुका है वो। अच्छा, उसने तो किया ना, किया आज भी जरूर करके। तो फाइनली आज हमने जो मैक्स के लिए कारपेट लगवाया था वो हम रिमूव करा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिंक कर रहा था और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो रहा था घर में। मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, नेस्ती सी हो रही है, नेस्ती फैली हुई थी। तो मैंने अविनाश को बोला इसको हटा दो इनकेस अगर मैक्स को फिर से प्रॉब्लम होगी। वैसे तो वो 3 मंथ्स का हो गया तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट अगर होगी तो हम उसको दोबारा लगवा देंगे। इस कारपेट का ये बेनिफिट है कि आप उतरवा के दोबारा लगा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम उतरवा रहे हैं क्योंकि मॉनसून भी स्टार्ट हो गया तो पूरा घर चिपचिपा हो जाएगा। मैक्स कभी बालकनी में जाता है, कभी अंदर आता है, हम लोग भी आते जाते रहते हैं और हम दोनों वर्किंग है तो इसको इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे। वैक्यूम क्लीनर भी सिर्फ ड्राई ड्राई क्लीनिंग कर रहा था, जो वेट एरिया है या फिर जो स्मेली हो जाता है एरिया उसको क्लीन नहीं कर रहा था। तो फाइनली हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम कारपेट हटवा देंगे। यहाँ से कारपेट हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल है। इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद देखते हैं लगाना है कि नहीं लगाना है वापस। ये पूरा हटेगा पहले इस रूम में, फिर उस रूम में, और इसके नीचे जो भी गम वगैरह है वो भी सारे एसीटोन से हटा देंगे सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे गम तो है नहीं लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होगा रिमेंस वो भी हट जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो पूरा एरिया हमने हटवा दिया। अब ये जो इसके नीचे की पेस्टिंग थी भैया उसको साफ कर रहे हैं। इधर का हो गया खत्म, सारी साफ सफाई हो गई। अब इधर का निकाला जा रहा है, इधर का निकल गया है और इधर से भैया निकाल रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा। ये तो खैर अभी वैक्यूम क्लीनर से साफ़ हो जाता लेकिन अब हमने एक दो दिन छोड़ ही दिया था क्योंकि हटवाना ही था। तो अभी उधर से मेरा ऑफिस का सिस्टम है तो थोड़ा इसको मैं मैनेज करके हटवा देता हूँ। तो जब तक अंदर काम चल रहा है हमने मैक्स को बाहर रखा हुआ है और उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी इसको मज़ा नहीं आ रहा बाहर। अब उसको अंदर जाना है लेकिन अंदर ले नहीं सकते क्योंकि जो गम है थोड़ा बहुत जो भी लगा हुआ है वो भैया हटा रहे हैं मिट्टी तेल से, और मिट्टी तेल अगर इसने चाट लिया तो दिक्कत आ जाएगी और उनको परेशान भी करेगा। इसलिए मैक्स यहाँ पे ही है और जब तक वहाँ पे क्लीन नहीं हो जाता पूरी तरीके से, मिट्टी तेल हट जाएगा तो उसके बाद इसको लेकर जाऊँगा। मैक्स आई एम सॉरी, तुम्हें बाहर बंद किया है मैंने। फाइनली अपना कारपेट निकालने का काम हो चुका है उधर भी और इस रूम में भी पूरा हो चुका है। बस जो सामान इधर उधर निकला हुआ है वो सामान थोड़ा सा सेट करना है और कारपेट निकलने के बाद घर में लग रहा है कितनी ज़्यादा लाइट आ चुकी है। वाह, ज़बरदस्त। और अभी मैक्स को किचन में खाना दिया है क्योंकि यहाँ पे अभी पोछा लगने वाला है। जब तक पोछा लगेगा नहीं तब तक मैक्स को यहाँ पे ले नहीं सकते। घर में अब कितना ज़्यादा लाइट लग रहा है, मतलब लाइट जितनी थी उतनी ही है लेकिन अभी जब से कारपेट हट गया है ना लाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले जब कारपेट थी तो स्मेल आता रहता था, अभी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस भाई साहब को इतनी खुशी है ना इस बात की कि कारपेट हट गया। जब से कारपेट हटा इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, नीचे आराम से खेल रहा है, आराम से सो रहा है। पूरे घर में घूम घूम के इसने देख लिया अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, है ना मैक्स? मज़ा आ रहा है ना?
अब बिल्कुल भी ऊपर आने की जिद नहीं कर रहा है, आराम से यहाँ पे देखो ऐसे करके बैठ जा रहा है एंड ही इज़ रियली लाइकिंग इट, क्योंकि इसको कारपेट ऐसे भी अच्छा नहीं लगता था और ये ठंडा होता है काफ़ी, और इनका जो पेट वाला एरिया है ना बहुत गर्म होता है तो इनको मज़ा आता है ना मैक्स? मज़ा आ रहा है। सो आज खाने में क्या बन रहा है? एक्सीडेंट? अरे इसका वो ढक्कन, ये क्या खीर बन रहा है क्या? नहीं, सेवियां। ओहो, आज स्पेशल बन रहा है कुछ, सेवियां। चलो बहुत बढ़िया। और ये कौन सा डिश है? कौन सा? ये कचरा डिश। ये कचरा डिश है? कचरा सेठ मैक्स खाएगा? कचरा सेठ? ओ प्लीज, मेरे मैक्स को कचरा मत बोलो। कचरा सेठ है वो? नहीं बोलने की जरूरत, कचरा फैलाता है ना घर में। नाश, मुझसे बात मत करो। ठीक है, ठीक है, अब ये भी नहीं मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं फीकी वाली बना दूंगी, अब इसमें शुगर नहीं डली है, ये आप और मैं खा लेंगे। अभी शुगर थोड़ी देर में डालूंगी ना, फिर मैं मीठी खा लूंगी, आप फीकी खा लेंगे। ठीक, अबे चल यहाँ से निकल, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अविनाश। चलो ठीक है, अभी फटाफट खाना बन रहा है। और यहाँ पे ये अरोड़ा लेमन का क्या है, शोरूम खुला है क्या? अरे यार, रोज सोचती हूँ जब वो कूड़े वाले भैया आएंगे तो फेंक दूंगी, कूड़े वाले भैया जब आते हैं तो मैं मस्त नींद में झूल झूल रही होती हूँ, तो बस उस टाइम तो होता है फटाफट कूड़ा डालो और आके सो रहा हूँ। कभी खुद मत कूद जाना उस गाड़ी में। वो कट्टा लेके आते हैं, उस बोरे में मैं आऊंगी। नहीं, गाड़ी जो नीचे खड़ी रहती है कहीं जाके जंप मार दो कूड़ा समझ के। चलो कोई नहीं, चल रहा है वीडियो में, सब लोग सुन रहे हैं मुझे और मैक्स को कचरा बोल रहे हैं ना। तो अभी क्या है कि बहुत ज्यादा दिमाग चाट लिया है वीडियो।